पूरा चाट बन के तैयार हो गया है समझ। अब इसी के अंदर हम डाल देते धनिया पत्ता, भूल गए थे गाइस। पूरा चाट बन के तैयार हो गया है, चाट समोसा आप देख सकते हैं। आप सभी के मुँह से पानी आ रहा होगा, आप सभी बनाइए, हमें कमेंट में कीजिए कि आप कब बना रहे हैं समोसा और चाट। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारे रेसिपी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। तो चाट बनाने के लिए ले लिए हैं सफेद मटर, ले लिए हैं काला चना, ले लिए हैं ओवरनाइट हम भिगो के रख दिए थे तो पूरा फूल गया है। तो चलिए इसको हम पानी में छान लेते हैं। पानी छान लिए हैं, कुकर ले लिए हैं, तो इसी कुकर के अंदर डालेंगे। तो इसी के अंदर हम डाल दिए छोला, पूरा चना और लिए थे सफेद मटर, उसी के अंदर आधा छोटी चम्मच नमक डाल दिए हैं, एक तेज पत्ता डाल दिए हैं। अब इसी के अंदर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच ऑयल ले लिए हैं। अब इसी के अंदर पानी डाल देंगे, आधा लीटर पानी डाल दिए हैं। तीन आलू ले लिए हैं, ये समोसा का फिलिंग बनाने के लिए तीन आलू लिए हैं, तो इसी में हम बॉइल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लीड लगा देते हैं, गैस के ऑन कर दिए हैं। अब इसे हमें चार सीटी आने तक ले इसको हम बॉईल कर लेते हैं। समोसा के फिलिंग के मसाला तैयार कर रही हैं, तो एक छोटी चम्मच ले लिए है धनिया और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च ले लिए हैं और एक छोटी चम्मच जीरा ले लिए हैं और एक छोटी चम्मच सौंफ ले लिए हैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छे से भून गया है, इसे निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए बाउल में। अभी ठंडा करके इसको दरदरा हम पीस लेंगे। मटर भी पूरा बॉईल हो गया है, देख सकते हैं एकदम अच्छे से एकदम कुक हो गया है। इसमें से आलू हम निकाल लिए थे, आलू इधर निकाल के हम छील लिए थे। अब इसे छोटा छोटा इसको हम मैश नहीं करेंगे, समोसा बना रहे तो थोड़ा इसको मोटा मोटा इसको पाट रखेंगे आलू के। तो कढ़ाई ले लिए हैं और समोसे के हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसी के अंदर डाल देंगे एक छोटी चम्मच ऑयल डाल दिए हैं, गरम हो गया, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल रहे हैं, दो हरी मिर्च काट के डाल दिए हैं, अजवाइन दे दिए हैं और किशमिश इसी के अंदर हम डाल देते हैं, ये भी थोड़ा भून जाएगा। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसी के अंदर एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रहे हैं, आप लहसुन खाना चाहते डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं तो इसको। अदरक लहसुन भून गया है, अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आलू, मैश किया हुआ है आलू, ऐसे मिक्स कर लेते हैं। मसाले में ले लिए है आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, दो पिंच हींग ले लिए है, तीखी लाल मिर्च आधा छोटी चम्मच ले लिए है, काला नमक ले लिए है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं अभी तैयार किया हुआ ये मसाला, इसके अंदर डाल देते हैं। अभी दो चम्मच मसाला डाल दिए हैं तैयार किया हुआ, स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। आई रोस्टेड मूंगफली ले लिए हैं, इसी के अंदर हम डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इसी के अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं, एक मिनट और भून लेते हैं। अब पूरा तैयार हो गया है फिलिंग, अब गैस के ऑफ कर दिए हैं। अब चलिए आटा हम समोसा का गूंथ लेते हैं। 200 ग्राम मैदा ले लिए हैं, इसी के अंदर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अब इसी के अंदर डाल देंगे एक चुटकी बेकिंग खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, खाने वाला सोडा ले लिए हैं। और आधा छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और 200 ग्राम मैदा में हम ले लिए हैं 50 ग्राम घी, चम्मच से नाप के उसको दिखाते हैं। 5 चम्मच ले लिए है घी, आप चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, घी से बहुत अच्छा खस्ता एकदम बन के तैयार समोसा होगा। मैदा के अंदर अच्छे से ही घी मेल्ट हो गया है, देख सकते हैं मुट्ठी इसमें परफेक्ट बनाने लगा है। तब इसे हम गूंथ पानी डाल के इसको हम गूंथ लेते हैं अच्छे से। इसको टाइट डो लगाना है, एकदम सॉफ्ट नहीं लगाना है, आना ज़्यादा एकदम टाइट लगाना है।
तो आटा अच्छे से लगा लिए हैं, देख सकते हैं रोटी से थोड़ा टाइट लगाए हैं आटा, रोटी से टाइट आटा लगाना है। अब इसे हम 20 मिनट हम ढक के हम छोड़ देते हैं। तो चलिए हम चाट तैयार कर लेते हैं। तो चाट बनाने के लिए हम कढ़ाई डाल दिए हैं, 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं, इसी के अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग डाल रहे हैं और 2 हरी मिर्च कटा हुआ, और मीडियम साइज प्याज ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज प्याज ले लिए हैं। अब इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। तो प्याज हम बराबर होने तक लोग भून लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट ले लिए हैं 1 चम्मच 1 छोटी चम्मच। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के हम भून लेते हैं 2 मिनट भून लिए हैं। अब इसी के अंदर डाल देंगे मीडियम साइज 1 टमाटर। अब इसे सॉफ्ट होने तक ले इसको भून लेते हैं। अब इसी के अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, टमाटर इसे सॉफ्ट हो जाएगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है। इसी के अंदर हम डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से भून लेते हैं 2-3 मिनट। अच्छे से भून गया है, देख सकते हैं ऑयल भी पूरा छूट गया है मसाला के अंदर से। तब इसी के अंदर हम डाल देंगे उबला हुआ मटर चना, पानी से ही हमें डालना है। अब डाल दिया, मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें ऊपर से हम पानी नहीं डाले हैं, ये छोले के मटर के पानी हम डाल दिए हैं पूरा, इतना पतला हम ग्रेवी रखे हैं इसकी, आप अपना कम बेस कर सकते हैं ग्रेवी। तो इसी के अंदर हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल दिए हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हम मिक्स करके इसको हम लो फ्लेम पर हम 5 मिनट पका लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं चाट, देख सकते हैं तैयार हो गया है रगड़ा चाट। अब गैस की ऑफ कर देते हैं। अब चलिए अब समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट हो गया है मैदा के रखे हुए, देख सकते हैं आटा तैयार हो गया है पूरा। अब डो के थोड़ा मिला लेते हैं। अब इसे लंबा करके हम छोटा छोटा पेड़ा इसके हम काट लेंगे। तो हमें इसे कर करके हमें छोटा छोटा पेड़ा काट लेना है, देख सकते हैं पेड़ा काट लिए हैं। अब इसे हम ढक के रख देंगे, ये आटा सूखेगा नहीं। तो हथेली से दबा के पेड़ा के हम ऐसे कर देंगे और इसे हम बेल लेते हैं। तो पूरा हम बेल लिए हैं, लंबा बेलना है समोसा के। अब इसे हम बीच में से कट कर लेते हैं, लगा लिए हैं। अब इसे ऐसे कर लेना है, इसे दबा देना है, इधर दबा देते हैं, खुलेगा नहीं। हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं, देख सकते हैं। अब इसी के अंदर डालेंगे स्टफिंग, डाल दिए हैं इसके अंदर स्टफिंग डाल दिए हैं। अब साइड में हम पानी लगा लेंगे, ऐसे थोड़ा मोड़ देंगे हम, ऐसे करके मोड़ देंगे और फिर इसे हम दबा देंगे। इसे इधर साइड में मोड़ देंगे, देख सकते हैं इजी से बन गया है, इजी तरीके से समोसा, देख सकते हैं। तो इसी करके हम पूरा हम बना लेते हैं। तो हमें ऐसे कर लेना है, एक वो बताए थे वीडियो, दूसरा भी बता रहे हैं कि आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे ज्वाइंट करते हैं। अब इसी के अंदर फिर स्टफिंग भर लेंगे, अब कम बेस करके स्टफिंग डाल सकते हैं। अब साइड किनारे पर हम पानी लगा लेंगे साइड से, देख सकते हैं। अब इसे हम ऐसे बीच में दबा देंगे और फिर इसे हम ऐसे कर देंगे, ये बीच वाला पार्ट है इसमें ज्वाइंट कर देंगे।
देख सकते हैं समोसे एकदम बनके तैयार हो गया है। इतना हम तैयार कर लिए हैं समोसे, देख सकते हैं, और बाकी है तो और कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो गाइस समोसा पूरा हम तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इधर ऑयल गरम होने के लिए डाल दिए हैं, ऑयल भी गरम हो गया है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे समोसा। देख सकते हैं फ्लेम के कर दिए हैं लो। लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे हम पलट लेते हैं। बाकी बचा हुआ है इसे कॉटन के कपड़ा से ढक देते हैं, सूखेगा नहीं। समोसे तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर लगा लिए हैं, जितना ऑयल होगा से सब निकल जाएगा। एकदम करारी क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है समोसा गाइस, देख सकते हैं। एकदम हलवाइयों वाली बनके तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी है, देख सकते हैं। एकदम क्रिस्पी, एकदम करारी बनके तैयार हो गया है समोसा। तो चलिए अब चाट इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं समोसा और चाट के बनाने। तो समोसा ले लेते हैं, देख सकते हैं। बिहार के एकदम फेमस है समोसा चाट, एकदम फेमस मशहूर है, बहुत टेस्टिंग बन के तैयार होता है। अब इसी के ऊपर हम डालेंगे चाट, खाने में एकदम स्पाइसी लगता है। अब चाट डाल दिए हैं, अब इसी के ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। पिछले वीडियो में आप लोग के दिखाए थे हरी चटनी के, गोलगप्पा बनाए थे तो हरी चटनी बनाए थे, तो उसके वीडियो गोलगप्पा के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तब इसी के अंदर डालेंगे इमली की चटनी हम बनाए थे, इसी के अंदर अब डाल देंगे। गोलगप्पा बनाए थे उसी समय बनाए थे, तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इमली की चटनी है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे प्याज ले लिए हैं, अब इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्च ले लिए हैं, तीखा अपना कम बेस कर सकते हैं गाइस, और दही ले लिए हैं, अब इसी के अंदर डालेंगे भुजिया है, आलू भुजिया। अभी समोसे के फिलिंग तैयार किए थे, मसाला हम अभी भून के बनाए थे, इसी के अंदर नमक डाल लिए थे, चाट मसाला डाल लिए थे, ऊपर से छेड़ देंगे, इससे एकदम स्पाइसी हो जाएगा। हल्का थोड़ा चटनी डाल देते हैं ऊपर से, इसके लुक थोड़ा अच्छा आ जाएगा देखने में। तो चलिए मेरा पूरा चाट बन के तैयार हो गया है समोसा, अब इसी के अंदर हम डाल देते धनिया पत्ता, भूल गए थे गाइस। अब पूरा चाट बन के तैयार हो गया है चाट और समोसा, आप देख सकते हैं। आप सभी के मुंह से पानी आ रहा होगा, आप सभी बनाइए, हमें कमेंट में कीजिए कि आप कब बना रहे हैं समोसा और चाट,
देख सकते हैं एकदम स्पाइसी समोसा बनके तैयार हो गया, समोसा चाट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। तो अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं चाट समोसा को कि हमारा चाट समोसा कैसा बना है। और आप देख सकते हैं ये एकदम बिहार का फेमस है। और आप देख सकते ये बहुत ज्यादा स्पाइसी भी है। आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर ना ये सब किए थे, डाले थे। तो दिखने में कितना मस्त दिख रहा है। हाँ, लुक इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी हम टेस्ट करते हैं कि हमारा कैसा बना है। वेरी टेस्टी गाइस, वेरी टेस्टी गाइस, बहुत ज्यादा टेस्टी, एकदम स्पाइसी भी है और इसमें सब सबका मस्त फ्लेवर आ रहा है। चटपटा भी फ्लेवर आ रहा है। ऊपर हमने इसके ऊपर हमने दही भी डाले थे। और बिना समोसे के तो ये मजा नहीं आता। तो मैं एक और बार इसको टेस्ट करता हूँ। तो बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल एकदम बिहार जैसे कि अगर आप बिहार में जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जरूर मिल जाएगा, जरूर। गांव में ये ना बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि गांव में ये ज्यादा मिलता है और गांव में सब पसंद भी करते हैं इसको। मिठाई छोड़ समोसे का, और मिठाई को छोड़ के सब ना यही खाते हैं चाट समोसा। और सबको चाट समोसा ही पसंद है क्योंकि ना हमें भी पसंद है, हमें स्पाइसी पसंद है। और आप कमेंट कीजिएगा कि आप ये कब बना रहे हैं। तो चले इस रेसिपी में एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा होता है तो सब्सक्राइब कमेंट करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।